पटना में आरजेडी की जनविश्वास महारैली हुई। इस रैली को INDIA गठबंधन की पहली बड़ी रैली के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस रैली में गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। पूरा गांधी मैदान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ से पटा नजर आया। जनविश्वास महारैली में INDIA गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा समेत कई नेता मौजूद रहे। जहां सभी पार्टियों के नेता मंच पर एक साथ बैठे नजर आए, वहीं छोटी छोटी टुकड़ियों में भी सभी दलों के कार्यकर्ता और समर्थक गांधी मैदान पहुंचे। पूरा गांधी मैदान कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं थी। गांधी मैदान में जुटे लोग अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे। गांधी मैदान में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने INDIA गठबंधन के नेताओं का जोश दोगुना कर दिया। रैली को संबोधित करने के लिए सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने माइक संभालते ही बीजेपी और नीतीश कुमार पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सबसे पहला हमला नियुक्ति पत्र को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि जो काम 17 सालों में नहीं हुआ वो उन्होंने सिर्फ 17 महीने में ही करके दिखा दिया। यही मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तेजस्वी की ओर से दूसरा हमला नीतीश कुमार के पलटने को लेकर किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को उठाते हुए डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही मुश्किल समय में समर्थन देने के लिए महागठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नया मतलब भी लोगों को समझाया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का मतलब समझाते हुए कहा कि आर का मतलब राइट्स, जे का मतलब जॉब्स और डी का मतलब डेवलपमेंट से। राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। आरजेडी पर MY यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ MY की नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है। उन्होंने BAAP का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब आधी आबादी यानी महिला और पी का मतलब पुअर यानी गरीब। ये माई बाप की पार्टी है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को डस्टबिन पार्टी बता दिया। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड के गीत के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कल बिहार के औरंगाबाद में PM मोदी की जनसभा में CM नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे और हम NDA के साथ ही रहेंगे। इस पर तेजस्वी ने गीत गाकर तंज किया। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां बे किधर चला, अरे अरे फिसल गया। तेजस्वी यादव के बैठते ही मंच पर बैठे INDIA गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी भी शामिल रहे। माइक के सामने आते ही राहुल गांधी बीजेपी पर खूब गरजे।
उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों, गरीबों, बेरोजगारों को धोखा देने और उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की। देश के लिए मरने के लिए तैयार है और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी और उनकी पार्टी की गारंटी सिर्फ इस देश के लोगों को धोखा देने की है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित आरजेडी की जन विश्वास महारैली में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को हराने का मंत्र भी दिया। और रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों के मतदाता मिलकर इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हरा दें तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। फिर बारी आई आरजेडी प्रमुख लालू यादव की। लालू यादव उसी अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी ली। ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है क्या? उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें पलटू राम बताया। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महागरीबी 3% से कम हो चुकी है। इसे द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक अपने जीवन काल की सबसे अहम वैश्विक घटनाओं में से एक मानता है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के डेटा के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ से ज्यादा है और इसमें करीब 3,44,58,941 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में हैं, जो कुल जनसंख्या का मात्र 2% ही है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रकिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत से महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीब आबादी की संख्या लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट की माने तो अगले 30 सालों में ऐसी प्रगति देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पिछले 11 सालों में हासिल की जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को लागू करने की वजह से यह हुआ है। Z News.